गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो टीनू फोरा, हाउ आर यू? हाउ इज द ओशन? हाउ इज द पोल्यूशन इन द ओशन? एवरीथिंग फाइन? कल के नोट्स में अभी आज फिर से वो रिवाइज कराऊंगा है ना, उसमें कवर हो जाएंगे। कल के नोट्स का टेंशन मत लो। बढ़िया बढ़िया, गुड टीनू फोरा। प्लास्टिक वास्टिक मत खा लेना डिनोफोरा, गले में फंस जाएगा। बहुत सारा हो गया है ओशन में। अरे अक्षय, लिंक नहीं, लिंक की वाला है तेरे को, ऑनलाइन आकर बोल रही है लिंक भेजो ना। कुछ भी लिंक नहीं मिलती है इससे। कल मैंने लिंक निकाली थी तो वो ऐप की लिंक आ रही थी, सबको लग रहा था ऐप डाउनलोड करना है, इसलिए मैंने लिंक नहीं भेजा। गुड मॉर्निंग अथर्व, गुड मॉर्निंग सानिया, गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग रिद्धि। स्ट्रीमिंग सेटिंग्स, ठीक है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, शुरू करते हैं अपन। एक बार कल का रिवाइज करते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है? मंडे से फिजिकल पक्का ना, पेपर वेपर पढ़ता नहीं है क्या आयुष? पेपर नहीं पढ़ता है क्या? न्यूज़ नहीं देखता है क्या? क्या ईशान, और किसने भेजा था मेरे को? अरे क्या करोगे बैच शफलिंग करके? कुछ बैच शफलिंग नहीं होने वाला है। तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या? टीवी पे न्यूज़ नहीं देखते हो क्या? स्पेशली चंद्रपुर के नाम पे न्यूज़ आ रही थी, आज के पेपर में भी आया स्पेशली चंद्रपुर के नाम से। और चंदा डॉट एन आई सी डॉट इन पे मैंने चेक किया, वो अफवाह नहीं है, सच निकला। हाँ करोना को स्टडीज पसंद है ना, वो बराबर जाता है ना वहाँ पर। कुछ केसेस नहीं है, कुछ नहीं है चंद्रपुर में खास, तो भी चंद्रपुर के कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि चंद्रपुर के स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे पूरा अप्रैल महीना 11th तक। मतलब 11th भी बंद रहेगा, 12th वाले आ सकते हैं। क्या रूल है ये, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। 12th वाले आएंगे, 12th वालों को कोरोना नहीं हो सकता, 11th वालों को हो सकता है। उल्टा 12th वालों को तो अभी बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी एग्जाम है बोर्ड की 26-23 तारीख से। उनको बेचारों को आने ही नहीं देना चाहिए, अभी उनको हो गया कोरोना तो उनका कितना नुकसान होगा। उनको आना चलेगा लेकिन 11th वालों को नहीं चलेगा। नहीं, ये साल वगैरह नहीं गया, टेंशन मत लो। उस दिन का माहौल है, तुम इंस्टीट्यूट के हिसाब से 12th में आए हो ना रे आर्यन?
प्रॉब्लम ये है ना, तुम गवर्नमेंट के नजरों में ट्वेल्थ में नहीं आए हो ना, तुम गवर्नमेंट के नजरों में तब ट्वेल्थ में आते हो जब ट्वेल्थ का सेशन शुरू होता है, मतलब जून में। नहीं, ऐसे मिलने के लिए वगैरह तो आ ही सकते हो, करेंगे कुछ जुगाड़ लेकिन तुरंत नहीं करेंगे। मैं तुमको एक बार एक रूल बताया था ना कि कोई भी नया रूल आता है अगर चंद्रपुर में, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हो, स्टेट गवर्नमेंट में लगाया हो या कलेक्टर ने लगाया हो लोकल लेवल पे, कोई भी नया रूल आता है तो सबसे पहले वो चालू होता है, लागू होता है रेजॉक्सी पे। रेजॉक्सी वालों ने अगर कोई भी रूल तोड़ा तो तुरंत पूरे शहर में आग लग जाती है, तुरंत एनएमसी वाले आ जाते हैं और ये हो जाता है, कोई ना कोई केस कर देता है, कोई ना कोई कंप्लेन कर देता है। सबसे पहले नज़र रेजॉक्सी पे रहती है लोगों की, इसलिए तुरंत तो नहीं कर सकते शुरू, लेकिन कुछ दिनों में कर देंगे, टेंशन मत लो। अरे टीनो बोरा, तू क्या टेंशन ले रहा है, तेरे को तो ओशन में बैठने का है, तो कहाँ आएगा इतने धूप में, सूख जाएगा पूरा, कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग भी नहीं है तेरे ऊपर, कैसे क्या इतना धूप सहन करेगा, तेरे को तो ओशन में ही रहना है, चालू हो या बंद हो टीनोफोरा को क्या टेंशन है। चलो बहुत हो गया टाइम पास, लेट अस स्टार्ट प्लांट किंगडम। तो कल का अपन ने एक बार क्या किया था, रिवाइज करते हैं फटाफट। एक 2N वाली जनरेशन होती है, टीनोफोरा का तो एकदम सही है, पूरा माहौल सेट है एकदम, गर्मी का भी टेंशन नहीं, बढ़िया ओशन में, ठीक है। तो स्पोरोफाइट 2N रहेगा, स्पोरोफाइट नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये स्पोर्स बनाएगा, है ना, लेकिन ये जो स्पोर्स बनाएगा ये कैसे बनाएगा, मियोसिस से बनाएगा, ये बनाएगा मियोसिस से। तो मेल वाले स्पोर्स अलग रहेंगे और फीमेल वाले स्पोर्स अलग रहेंगे, अगर मेल फीमेल, क्योंकि मेल फीमेल तो अलग रहता ही है ना, तो मेल स्पोर्स बनेंगे और फीमेल स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। मियोसिस से बन रहे इसलिए ये ऑब्वियसली हैप्लॉइड रहेंगे, है ना, ऐसा ही मियोसिस एनिमल्स में भी होता है। ऐसा ही मियोसिस एनिमल्स में भी होता है, लेकिन एनिमल्स में जो मियोसिस है वो मियोसिस होने के बाद क्या होता है, जो दो हैप्लॉइड सेल्स बनी वो डायरेक्टली फ्यूज होकर जाइगोट बन जाता है। और अरे राम, तो ये मियोसिस हो जाता है, मियोसिस होने के बाद जो दो हैप्लॉइड सेल्स बनती है ये हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होके सीधा जाइगोट बन जाता है, बराबर है। और कल मैंने तुमको बताया था कि गैमिट्स फ्यूज एंड स्पोर्स जर्मिनेट, गैमिट्स फ्यूज एंड स्पोर्स जर्मिनेट, ठीक है। तो एनिमल्स में जो हैप्लॉइड सेल्स रहते हैं उसको अपन गैमिट्स बोलेंगे, प्लांट्स में अपन इनको मियोसिस से जो सेल्स बनी इनको गैमिट्स क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये डायरेक्टली फ्यूज नहीं होते हैं। क्यों फ्यूज नहीं होता है डायरेक्टली, क्योंकि एनिमल्स के पास ये सुविधा है, सबका ध्यान मेरे तरफ रहेगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एनिमल्स के पास ये सुविधा है कि वो बराबर मेल और फीमेल एक और एक जगह पर जमा होकर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होगा तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि तो बराबर भले ही पानी में तुम गैमेट्स रिलीज कर रहे हो, मेल और फीमेल गैमेट्स, लेकिन वो बराबर एक साथ रिलीज किए जाएंगे। कल मैंने फ्रॉग का तुमको बताया था, वो कहता फीमेल के ऊपर, फीमेल के एब्डोमेन पे प्रेशर अप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ कोप्यूलेटरी पैड्स, और फीमेल को ओवम रिलीज करने के लिए स्टिम्युलेट करता है फ्रॉग, है ना।
बराबर ये स्पोर्स मतलब एनिमल्स में जो गैमेट्स है वो बराबर एक दूसरे को मिल ही जाएंगे। पेड़ों में पहले ही पूरा भगवान भरोसे वाला काम है, उसमें से अगर तुम सीधा हैप्लॉइड सेल्स को निकाल दोगे बाहर कि जा भाई फर्टिलाइज कर ओवम ढूंढ के, पूरा रैंडम खेल है उसमें प्रोबेबिलिटी और घट जाएगी। इसलिए पेड़ों में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि ये जो हैप्लॉइड सेल्स है ये हैप्लॉइड सेल्स डायरेक्टली फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ये पहले माइटोसिस करते हैं, बराबर है ना, ये पहले करेंगे माइटोसिस। तो फीमेल स्पोर्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, मेल स्पोर्स जो है वो भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करेगा तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, माइटोसिस करके मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। मेल के स्पोर ने भी जो माइटोसिस किया उसके कारण भी मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में उन्हें क्या तुमको कल बताया था जनरेटिव सेल, मेल वाले केस में जनरेटिव सेल माइटोसिस करके दो गैमिट्स बनाता है, मतलब बेसिकली ये मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ने गैमिट्स बनाए है ना। कैसे बनाए? तो ऑब्वियसली माइटोसिस से ही बनाए, ऑब्वियसली माइटोसिस से ही बनाए। एंड गैमिट्स का काम क्या है? गैमिट्स का काम है हमेशा फ्यूज होना। तो ये गैमिट्स फ्यूज होंगे और गैमिट्स फ्यूज होकर तो जाइगोट बन जाएगा, गैमिट्स फ्यूज होके बन जाएगा जाइगोट, और फिर वो जाइगोट ग्रो होकर क्या बनेगा? अडल्ट बनेगा, अडल्ट स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये फ्यूज हो रहे हैं, मतलब ये हो गया, ये सॉरी ये फीमेल गैमिट है, ये हो गया फीमेल गैमिट, ये हो गया मेल गैमिट, बराबर है। और इस मेल गैमिट को किसने तैयार किया है? इस मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ने। तो स्पोर तैयार करने वाला जो स्ट्रक्चर था वो स्पोरोफाइट है, तो गैमिट तैयार करने वाले स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? गैमिटोफाइट बोलेंगे, है ना। गैमिट तैयार करने वाले स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? गैमिटोफाइट बोलेंगे। तो ये जो फीमेल स्पोर ने मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमिटोफाइट, और मेल वाले स्पोर्स ने माइटोसिस करके जो मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया उसको अपन बोलेंगे मेल गैमिटोफाइट, बराबर। ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। तो पेड़ों के लाइफ में क्या होता है? पेड़ों के लाइफ में क्या होता है कि पेड़ों के लाइफ में एक मियोसिस करने के बाद जो हैप्लॉइड फॉर्म आता है वो हैप्लॉइड फॉर्म भी मल्टीप्लीकेशन करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। तो उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को अपन एक अलग जनरेशन करके ट्रीट करते हैं। मैंने कल भी तुमको बताया था कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जो हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो सीधा फ्यूज हो जाते हैं और अगले जनरेशन का जायगोट तैयार हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है वही के वही। पेड़ों के लाइफ में क्या होता है? अब ये जो स्पोरोफाइट है, जो मैंगो ट्री अपने को दिख रहा है अपने घर के बाहर, जो नीम ट्री अपने को दिख रहा है घर के बाहर, जो तुलसी का प्लांट अपने को दिख रहा है घर के बाहर, वो मल्टी सेलुलर है ना, और वो डिप्लॉइड है, वो मल्टी सेल्यूलर है और वो डिप्लॉइड है, बराबर। तो मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ऐसे दो चीजें आती है पेड़ों के लाइफ साइकिल में, मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी आता है और मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी आता है, जिसको अपन पोलन ग्रेन बोलते हैं, वो मेल वाला मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और एम्ब्रियो सैक, वो जो कल मैंने 8 न्यूक्लियाई वाला एक स्ट्रक्चर बनाया था, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, उसको अपन बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। हाँ
है ना, उसको अपन बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन। वैसे ही मेल प्लांट जो है वो मेल स्पोरोफाइट और फीमेल प्लांट जो है वो फीमेल स्पोरोफाइट। अगर एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों होंगे तो फिर वो प्लांट को अपन बायसेक्सुअल बोलेंगे, लेकिन उसका जो स्पोरोफाइट तो है ही वो, फिर उसका जो मेल फ्लावर है एंथर जिन फ्लावर्स में उसको अपन मेल स्पोरोफाइट बोलेंगे। अलग अलग मतलब बायसेक्सुअल स्पीशीज नहीं होंगी, यूनिसेक्सुअल स्पीशीज होंगी। अगर मेल ट्री और फीमेल ट्री अलग होंगे तो कोई मतलब वो तो अपने को इशू ही नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मैनेज हो जाएगा। एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है कि अलग अलग है सेक्सेस, उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं है। अपन एनिमल किंगडम में नहीं क्या कोई भी फाइलम पढ़ते थे तो उसके बाद अपन ये क्लियर करते थे कि सेक्सेस सेपरेट है कि एक है, हर्माफ्रोडाइट है, बराबर है। तो प्लांट किंगडम में अपने को ऐसा कुछ याद नहीं रखना है कि कौन से प्लांट बायसेक्सुअल है, कौन से प्लांट यूनिसेक्सुअल है, ये अपने को याद नहीं रखना है। अपने को बस ये रिप्रोडक्शन उनका समझना है प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन और फिर एक हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन, फिर से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, फिर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, फिर से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, फिर से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ऐसा चलते रहेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेशन। किसका अल्टरनेशन? तो जनरेशंस का। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, वेयर अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट्स विद अ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन व्हिच अगेन गिव्स राइज टू अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन व्हिच अगेन गिव्स राइज टू अ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन बनती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन बनती है। स्पोरोफाइट मतलब जो स्पोर बनाएगा, गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट बनाएगा। सिंपल चीज है एकदम, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट हियर, आई डोंट बिलीव दैट देयर इज एनीथिंग डिफिकल्ट हियर। ऑब्वियसली अगर तुमको लग रहा है डिफिकल्ट तो तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम लुकिंग एट द मैसेजेस, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑब्वियसली आस्क, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट है, सिंपल कंसेप्ट है एकदम। ये एनिमल किंगडम में भी था? नहीं, आयुष में उस पर आ रहा हूं अभी, मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है। ठीक है, अभी इसमें अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ लो बस, बाकी मेरा नेक्स्ट पॉइंट वो एनिमल किंगडम के ऊपर ही आने वाला था। मैं आयुष, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड अजय, वेरी गुड। ठीक है, तो वही जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल किंगडम पे आने का, वो ये है, मैं लिखने ही वाला था कि अभी मजा आने ही वाली है, मैं बोलने ही वाला था कि अभी मजा आएगी। क्यों मजा आएगी? क्योंकि एनिमल्स में अपन ने जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था वो किस में पढ़ा था? तो टीनोफोरा का भाई सिलेंट्रेटा में पढ़ा था। क्या टीनोफोरा याद है क्या? ओबेलिया में पढ़ा था, करेक्ट है आयुष, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओबेलिया में पढ़ा था टीनोफोरा का भाई, है ना? तो एनिमल किंगडम में अपन ने जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, इन एनिमल किंगडम फाइलम सिलेंट्रेटा ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम निडेरिया ऑल्सो कॉल्ड एज
सी जेलीज, है ना, क्योंकि उनमें कोम रहता है, निडोसाइट्स वाला, इसलिए उसको कोम को कुल भाषा में टीनो बोलते हैं, टीनो, इसलिए टीनोफोरा, है ना। वेरी गुड फातिमा। तो उसमें क्या होता है कि ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, द स्टोरी डज नॉट इन्वॉल्व हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशंस। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशंस इन्वॉल्व उसमें नहीं रहते हैं, सिलेंट्रेटा में। उसमें क्या रहता है, इट हैज एसेक्सुअल और वो क्या वर्ड था जो मूवमेंट नहीं करते, जो लोकोमोशन नहीं करते, उसको क्या बोलते थे अपन, ससाइल, है ना। इट हैज एसेक्सुअल ससाइल स्टेज कॉल्ड पॉलिप, है ना, बराबर। एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड लोकोमोटरी, जो लोकोमोशन कर सकते हैं, स्टेज कॉल्ड मेड्यूसा, बराबर है। उसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा था वो किस में हो रहा था, एसेक्सुअल ससाइल स्टेज कॉल्ड पॉलिप एंड सेक्सुअल लोकोमोटरी स्टेज कॉल्ड मेड्यूसा। एसेक्सुअल एंड ससाइल, ससाइल मतलब इमूवेबल, तो उसको अपन बोल रहे थे पॉलिप। और जो लोकोमोशन कर सकते हैं और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको अपन बोल रहे थे मेड्यूसा। इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कोई रोल है क्या, कोई भी रोल नहीं है। बोथ दीज स्टेजेस आर डिप्लॉइड, बोथ दीज स्टेजेस आर डिप्लॉइड, है ना। इसको मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं, जो फातिमा ने बोला एकदम करेक्ट है। एनिमल्स का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है वो कौन सा वाला है, मेटाजेनेसिस बोलते हैं उसको। और उसमें सिर्फ सिलेंट्रेटा में ही मिलता है, टीनोफोरा गायब भी हो गया लगता, ठीक है, सिर्फ सिलेंट्रेटा में मिलता है, टीनोफोरा में नहीं मिलता है। टीनोफोरा में सबके सब मेड्यूसा ही रहते हैं, टीनोफोरा में पॉलिप रहता ही नहीं है, ठीक है। और सिलेंट्रेटा में पॉलिप मेड्यूसा दो, हर एक सिलेंट्रेटा में नहीं रहता। ओबेलिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, सीफर, ओबेलिया के बारे में बताया हुआ है कि उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वेरियस प्लांट्स का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है वो ससाइल और मोबाइल या सेक्सुअल या एसेक्सुअल वाला है क्या, नहीं, ये कौन सा वाला है, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला है। तो प्लांट्स का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस अलग है, और एनिमल्स में जो सिलेंट्रेटा में अपन ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस पढ़ा है वो अलग है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करने का, ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। तो अभी अपन बढ़ते हैं आगे अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज थैलोफाइटा। अपना आज का टॉपिक है थैलोफाइटा। अब ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, अपन ने जो पेड़ों को क्लासिफाई किया है उसमें क्लासिफाई करने का मेन जो तरीका है ना वो ये है, उनका रिप्रोडक्शन का साइकिल, उनका रिप्रोडक्शन का साइकिल पेड़ों का, कि वो किस तरीके से वो साइकिल कैसा करते हैं रिप्रोडक्शन का, ये उनका मेन तरीका है पेड़ों को डिवाइड करने का इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्या बोल रहा हूं मैं, ये ओनली तरीका है बोल रहा हूं क्या, नहीं, मैं इसको ओनली तरीका नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको मेन तरीका बोल रहा हूं। इसके अलावा और भी कुछ क्राइटेरिया है जिनके मदद से अपन ने पेड़ों को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में क्लासिफाई किया है, बराबर। तो पहली जो चीज है पेड़ों को क्लासिफाई करने की वो है क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स।
क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरगैम्स। क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक कोर बोलते हैं ना अपन, क्रिप्टो यानी छुपा हुआ। गैम्स ये वर्ड गैमिट से आया, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो जिनके सेक्सुअल ऑर्गन्स छुपे हुए रहते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, और फेनेरोगैम्स मतलब जिनके सेक्सुअल ऑर्गन्स छुपे हुए नहीं रहते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वेरेज फेनेरोगैम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स का सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है? फ्लावर। फ्लावर में ही तो एंथर है ना, एंथर फिलामेंट और स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ये सब रहता है, बराबर है ना? क्लियर है ना? तो फेनेरोगैम्स मतलब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, और क्रिप्टोगैम्स मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद भी अपन ने, मतलब ये भी एक कंडीशन हो गई क्लासिफिकेशन की। एक और कंडीशन ये है उनकी मॉर्फोलॉजी और उनका कॉम्प्लेक्सिटी। तो थैलोफाइटा जो रहते हैं वो यूनिसेल्यूलर रहते हैं और अक्वेटिक रहते हैं। यूनिसेल्यूलर और अक्वेटिक, ठीक है। या मैं एक काम करता हूं, यूनिसेल्यूलर बोलना सही नहीं है, मोस्टली यूनिसेल्यूलर। इसमें कुछ मल्टी सेल्यूलर स्पीशीज भी पाई जाती है, लेकिन मोस्टली ये लोग यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, एंड अक्वेटिक है। थैलोफाइटा मतलब अलगी है ना, जिसको हिंदी में काई बोलते हैं, काई, और मराठी में शेवार बोलते हैं, है ना? जो अपन नदी के पास, तालाब के पास गए तो पत्थर जो रहते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग जो रहता है, दैट इज नथिंग बट अल्गी, तो वो थैलोफाइटा है। तुम बोलोगे सर यूनिसेल्यूलर है तो हमको हमारी आंखों से दिख कैसे रहा है? क्योंकि तो वहां पर इतने सारे सेल्स रहते हैं कि अपने को उनका बंच दिखता है पूरा, वो एक सेल नहीं देख रहे होते हैं अपन, इसलिए दिखता है। दे आर मोस्टली यूनिसेल्यूलर। ठीक है, कंसेप्ट एकदम सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अक्वेटिक रहेंगे। इसके बाद आएंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या रहेंगे? मल्टी सेल्यूलर रहेंगे और पूरे तरीके से अक्वेटिक नहीं रहेंगे, लेकिन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एरिया में ग्रो होंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए उनको पानी चाहिए रहेगा। तो सेम एज एनिमल्स है, मैं तुमको हमेशा बोलता हूं ना कि प्लांट्स में और एनिमल्स में कुछ भी भेदभाव नहीं है। सब कुछ प्रोसेसेस, सब फिजियोलॉजी, सब इवोल्यूशन, सब सेम तरीके से हुआ है। एनिमल्स में मतलब वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन कैसा है? पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, है ना? वैसे इनका भी देखो, थैलोफाइटा कंप्लीटली अक्वाटिक, मतलब ये पाइसेस ऑफ द प्लांट किंगडम हो गए। फिर ब्रायोफाइटा का मैंने क्या बताया कि ब्रायोफाइटा थोड़े जमीन पे आ गए, मतलब पूरे तरीके से अक्वेटिक नहीं है लेकिन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी कंपलसरी है। ऐसा ही एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल किंगडम का भी वैसा ही है ना, कि फ्रॉग, फ्रॉग तो छोड़ो, खैर फ्रॉग तो मैक्सिमम टाइम पानी में ही रहता है, लेकिन वो सांस पानी के बाहर भी लेता है, बाहर ही लेता है रादर, अडल्ट फ्रॉग। और अपने घरों में जो आते हैं मानसून में, वो फ्रॉग्स बोलते हैं अपन उनको, लेकिन वो फ्रॉग्स नहीं होते हैं, वो टोड्स होते हैं। ये मैंने एनिमल किंगडम के वक्त बताया था। तो टोड्स तो मोस्टली टेरिस्ट्रियल ही है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो टोड्स है ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन फिर ये पानी में क्यों जाते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए उनको पानी बहुत जरूरी है। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। स्पाइसेस को जब ध्यान में आया, इवोल्यूशन को जब ध्यान में आया कि लैंड नाम की एक पूरी चीज, पूरी एक जगह अनएक्सप्लोर्ड है, अब तक एनिमल्स ने लैंड को एक्सप्लोर नहीं किया है, व्हाई नॉट वी गो टू द लैंड, ठीक है, एंड इवॉल्व देयर।
और जगह यूज हो पाएगी अर्थ की, सिर्फ पानी में ही क्यों रहने का। तो पाइसेस मिलियंस ऑफ इयर्स में इवॉल्व होके उनका एक ब्रांच निकला जिसको अपन आज के डेट में एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। और वो जमीन पे आने लग गए। अब जमीन पे आने के बाद उनके साथ वांधा क्या हुआ बेचारों के साथ, दो प्रॉब्लम हुए। इंग्लैंड के ओशन में से जो लोग जमीन पे आए होंगे उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने इंडिया इंडिया के ओशन में से इंडिया के लैंड पे आने की कोशिश की होगी, तब इंडिया वगैरह था नहीं है कुछ, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, तब तो ऐसे कॉन्टिनेंट्स भी नहीं थे, तुमको पता होगा पैंजिया बोलते थे उसको, सब कॉन्टिनेंट्स एक थे, कॉन्टिनेंट्स बाद में टूटे हैं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, सही में सीरियसली मत लेना। लेकिन द पॉइंट इज कि सोचो जो इंडिया पे एकदम से पाइसेस जमीन पे आ गया इंडिया के गर्मी में मई महीने में धूप से, उसकी क्या हालत हुई होंगी बेचारों की, कि भाई ये क्या चीज है, अपना पानी तो एक झटके में पूरा शरीर का गायब हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है जमीन पे आते बराबर, तो उनको जमीन पर रहना बहुत मुश्किल गया। जो पाइसेस इवॉल्व होकर एम्फीबियन बन के जमीन पे, एनिमल्स की बात बता रहा हूं, छोड़ो ना थैलोफाइटा वगैरह, मेरी बात सुनो, थैलोफाइटा प्रायोफाइटा का टेंशन मत लो, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम गया उनको, दूसरा प्रॉब्लम उनको गया अंडे देने का, कि अंडे अगर दिए तो अंडे भी सूख जाते हैं धूप के कारण, तो अंडे कैसे देने का। तो इसका उपाय क्या निकाला एम्फीबियंस ने, कि रेनी सीजन में ही सिर्फ बाहर निकलने का, ठीक है, समर के वक्त एस्टिवेशन करने का मतलब समर स्लीप, और विंटर के वक्त हाइबरनेशन करने का मतलब विंटर स्लीप। और रेनी सीजन में जब क्लाउड कवर रहता है, धूप नहीं होती है, धूप रही भी तो भी हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है तो स्किन सूखती नहीं है, उस टाइम पे बाहर निकलने का, इसलिए फ्रॉग्स एंड टोड्स सिर्फ रेनी सीजन में बाहर निकलते हैं रिप्रोडक्शन करने का और फिर से सो जाने का रेनी सीजन खत्म होने के बाद जमीन के नीचे जाके। पर रिप्रोडक्शन करने में भी प्रॉब्लम है कि एग सूख जाएंगे, इसलिए एग्स को क्या रखने का, पानी में ही रखने का, एग्स को जमीन पर रखने का ही नहीं, इसीलिए एम्फीबियंस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं कि पानी में ही स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होकर जायगोट बनता है, और पानी में ही फिर वो जो फ्रॉग रहता है वो क्या करता है, उन फर्टिलाइज्ड एग्स को अपने पीठ पे चिपका लेता है, पानी में ही रहता है, और फिर पानी में ही वो हैच होके टैडपोल बन के बाहर निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे फ्रॉग बनते हैं, आगे की कहानी तो तुमको पता है, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, है ना, लार्वा से अडल्ट बनना। पर वो ऐसा क्यों करते हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उनको धूप का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि क्या करने का। अरे इंटरेस्टिंग तो है ही अजय, मैं क्लास में बोलता नहीं हूं कि देयर इज नथिंग इन बायोलॉजी विच डज नॉट हैव एन एक्सप्लेनेशन। हाँ ये हो सकता है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन पता नहीं है, ये भी हो सकता है कि ह्यूमन स्पीशीज को ही एक्सप्लेनेशन पता नहीं है, मेरे को कहां से पता चलते एक्सप्लेनेशन, तो किताबें पढ़ पढ़ के। तो हो सकता है कि किसी चीज का एक्सप्लेनेशन किताब में भी ना दिया हो, किसी साइंटिस्ट ने अब तक डिस्कवरीज नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन रहता जरूर है, आज ना कल पता चल ही जाता है। देयर इज नथिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। तो आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछता है, फालतू में खुद को कंफ्यूज करता है, और कुछ भी क्वेश्चन पूछता है इसलिए बताता नहीं हूं आयुष, बाकी तेरे को और वेदांत को दो ही लोगों को नहीं बोलता हूं मैं, बस बाकी सबको बताता हूं, सिर्फ दो ही लोगों को नहीं बोलता हूं मैं बताने के लिए, आयुष और वेदांत। वेदांत से तो मैं पता ही है तेरे को, डरता ही हूं वेदांत से तो। एनीवेज जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज कि फिर रिप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स ने क्या किया, एक तो स्किन के ऊपर केराटिन बनाया, मतलब उनके स्किन में केराटिन रहता है, तो केराटिन अपने को कहां से मिलना शुरू होता है, तो रेप्टाइल से मिलना शुरू हो जाता है। केराटिन अपने को पता है कि वो अपन ने स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में देखा था, ड्राई
ड्राई सरफेसेस जो रहते हैं, ड्राई सरफेसेस जो रहते हैं जैसे स्किन, नेल्स, हॉर्न्स, उनके ऊपर स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम रहता है ना। आयुष और वेदांत की बेइज्जती करते बराबर टीनोफोरा एकदम एक्टिवेट हो गया। इतनी देर में सिलेंट्रेटा कर रहा था तो भाव भी नहीं दे रहा था। जैसे ही आयुष और वेदांत की बेइज्जती हुई टीनोफोरा पूरा एक्टिवेट। उत्कर्ष है लगता टीनोफोरा। एनीवेज द पॉइंट इज कि केराटिन एक तो स्किन के ऊपर आ गया तो स्किन ड्राई नहीं होती है रेप्टाइल्स की। दूसरी बात, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स क्या करते हैं, उनके जो अंडे रहते हैं, तुम बोलोगे सर मैमल्स के अंडे, बिल्कुल रहते हैं ना, एग लेइंग मैमल ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस, ठीक है, उनके ऊपर CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग रहता है। मुर्गी के अंडे तो सबने देखे ही है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि अंडे भी सूखने से बच जाते हैं। तो रेप्टाइल्स को अपन ट्रू टेरिस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, कंप्लीटली टेरिस्ट्रियल। तो वैसा ही ब्रायोफाइटा के साथ क्या हुआ, हेलोफाइटा मतलब पाइसेस, इन्होंने जब जमीन पे आने की कोशिश किया तो इनको समझा इतनी सोल्यूशन ही नहीं मिला कि फर्टिलाइजेशन कैसे करने का, मेल और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के साथ फ्यूज कैसे करवाने का, और पानी का कैसे करने का, पानी कहाँ से मिलेगा सर्वाइवल के लिए, साइटोप्लाज्म को, सेल के साइटोप्लाज्म को पानी तो चाहिए ही ना, पानी के बिना साइटोप्लाज्म तो सूख जाएगा, तो साइटोप्लाज्म का कैसे करने का, ये उनको समझा ही नहीं ब्रायोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा लैंड पे तो आ गए लेकिन एम्फीबियंस समान रेस्ट्रिक्टेड रह गए। एम्फीबियंस का कैसा प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ रेनी सीजन में ही बाहर निकलते हैं, मानसून में, समर और विंटर में वो अंदर रहते हैं, बराबर। वैसे ही ब्रायोफाइटा क्या करते हैं, सिर्फ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एरिया में रहते हैं। दूसरी बात, एनिमल वाले एम्फीबियंस कैसे करते हैं, सिर्फ फर्टिलाइजेशन पानी में ही करते हैं, पानी उनको चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, बराबर है, क्योंकि अंडे उनको बाहर नहीं देना है बॉडी के, जमीन पे नहीं रखना है, मतलब पानी में ही रखना है, इसलिए वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करके पानी में ही अंडे रखते हैं। वैसा ही ब्रायोफाइटा भी क्या करते हैं, मॉइस्ट और ह्यूमिड एरिया में रहते हैं और पानी के थ्रू ही मेल और फीमेल गैमिट को भेजते हैं एक दूसरे के साथ मेट करवाने के लिए। तीसरी बात, उनके सर्वाइवल के लिए जो उनको पानी चाहिए था वो कैसे मिलेगा, तो वो ये मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एरिया में ही रहने का, तो वहां पर एटमोसफियर में ज्यादा पानी रहता है, ह्यूमिड रहता है, तो पानी उनके सेल्स में आते रहता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन उसके बाद जो आया ब्रायोफाइटा के बाद, दैट इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा टेरिस्ट्रियल है, ट्रू टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। उन्होंने क्या किया, टेरिडोफाइटा ने रूट, स्टेम एंड लीफ इवॉल्व किया। तो रूट आने के कारण क्या हो गया कि एक तो उनको पानी की जरूरत खत्म हो गई। पानी की जरूरत कैसे खत्म हो गई, तो सीधा रूट को जमीन के नीचे भेजने का और जमीन के नीचे नीचे से पानी सोखने का, ठीक है। दूसरी बात, रूट के कारण क्या हो गया कि वो जमीन को पकड़ के खड़े रहना पॉसिबल हो गया उनको। ब्रायोफाइटा ऐसे जमीन पे सोए हुए रहते हैं, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, ब्रायोफाइटा अप्रेज्ड टू द जमीन रहते हैं, और अगर ब्रायोफाइटा इरेक्ट भी है ना तो भी वो ऐसे पुराने बिल्डिंग के ऊपर वगैरह ऐसा क्लाइंबर की तरह चढ़ते हैं। मॉस पता होगा तुमको, मॉस जो भूत बंगले के ऊपर रहता है, मॉस इज नथिंग बट अ ब्रायोफाइट, ठीक है। पीट मॉस, जिससे पीट कोल बनता है, पीट कोल वगैरह तुमने ज्योग्राफी में सुना होगा, 8th 9th 10th में, या जनरल साइंस में सुना होगा, तो वो सब ब्रायोफाइट्स है। उनके प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं ना, एक तो फर्टिलाइजेशन कैसे करने का और दूसरा खुद के सर्वाइवल के लिए। फर्टिलाइजेशन तो छोड़ो, वो तो स्पीशीज की बात हो गई, खुद के सर्वाइवल के लिए पानी कहां से लाने का। लेकिन ट्रेडोफाइट ने क्या किया, रूट्स बना लिए। रूट्स बनाने के कारण खुद का प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया, पानी का, कि जमीन में से सीधा पानी खींच लेंगे, ऊपर से जमीन पे वो जमीन को पकड़ के खड़े भी रह सकते हैं, उनको बिल्डिंग की जरूरत नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, या फिर जमीन पे ऐसा सो के नहीं रहना है, वो अपना इरेक्ट रह सकते हैं ऐसा, थैंक्स टू रूट्स, है ना। लेकिन टेरिडोफाइट को भी फर्टिलाइजेशन कैसे करने का ये नहीं समझा, तो टेरिडोफाइट्स को भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी ही लगता है,
एनसीईआरटी ने बोला है ट्रेडोफाइट्स में कि दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन हैव रेस्ट्रिक्टेड टेरिडोफाइट्स टू नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज, पूरे अर्थ पे वो स्प्रेड नहीं हो पाए। जिम्नोस्पर्म्स ने क्या किया, जिम्नोस्पर्म्स ने, अब रूट तो इवॉल्व हो ही चुके थे, रूट्स तो टेरिडोफाइट में इवॉल्व हो गए थे, तो रूट्स का तो जिम्नोस्पर्म को टेंशन नहीं था, खुद के सर्वाइवल का टेंशन नहीं था, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए जो पानी लगता है उसका उपाय क्या करने का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए अगर पानी लगते ही रहा तो फिर अपन उसी एरिया में ग्रो हो पाएंगे जहां पर पानी है, बराबर है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स ने क्या उपाय किया, जिम्नोस्पर्म्स ने अपने गैमेटोफाइट को, सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ रहेगा, जिम्नोस्पर्म्स ने क्या किया, अपना जो गैमेटोफाइट है उसको बहुत छोटा बना दिया, 3 सेल का, 4 सेल का, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं पोलन ग्रेन, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं पोलन ग्रेन, इतना छोटा बना दिया कि उसका वजन हल्का हो गया और वो हवा के थ्रू इधर उधर फैलने लग गया, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, और पानी की रिक्वायरमेंट जैसे ही खत्म हो गई वैसे ही क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म्स पूरे अर्थ पे स्प्रेड होना उनको पॉसिबल हो गया, सिर्फ नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज में जहां पर पानी है वहीं पर वो सरवाइव कर सकते हैं, ये कंडीशन खत्म हो गई। पर अपन सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड किसको बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स को, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स ने उससे भी ज्यादा दिमाग लगाया। देखो अभी रूट स्टेम लीफ तो डेवलप हो चुका है, अब खुद के पानी का टेंशन नहीं है, खुद का पानी तो जमीन के नीचे से सोख लेंगे, प्रॉब्लम था फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन के प्रॉब्लम को देखो समझ में आ रहे ना, ब्रायोफाइट्स के सामने दो प्रॉब्लम थे, एक तो खुद के पानी का और दूसरा फर्टिलाइजेशन का, इसलिए वो सिर्फ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एरिया में ही ग्रो हो पाए, बराबर। टेरिडोफाइट्स ने रूट्स बना लिए, रूट बनाकर उन्होंने क्या किया, खुद के पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, लेकिन फर्टिलाइजेशन का कैसा, वो उपाय उनको नहीं मिल पाया, तो रूट होने के बावजूद भी वो हर जगह ग्रो नहीं हो सकते, फर्टिलाइजेशन के लिए उनको पानी लगता ही है टेरिडोफाइट्स को। जिम्नोस्पर्म्स ने क्या किया, रूट्स के कारण खुद के पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था, फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम भी अच्छा दिमाग लगाकर सॉल्व कर दिया। क्या दिमाग लगाया जिम्नोस्पर्म्स ने, कि पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट है उसको एकदम छोटा बना देने का, इतना छोटा, 3 सेल का, 4 सेल का, कल अपन ने देखा ना पोलन ग्रेन, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल गिव राइज टू टू जर्म सेल्स, टू मेल गैमेट्स, वो मैंगो ट्री में देखा था अपन ने, मैंगो ट्री एंजियोस्पर्म रहता है 3 सेल का, जिम्नोस्पर्म में 4 सेल का पोलन ग्रेन रहता है, 4 सेल, 3 सेल, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर हो गया ना, नेकेड आई से विजिबल भी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इतना हल्का है कि हवा के थ्रू इधर उधर उड़ जाएगा, तो पानी की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, बराबर। एक एक चीज कैसे कैसे डेवलप होते जा रही है, कैसा इवोल्यूशन होते जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसा एनिमल्स का हुआ वैसे ही प्लांट्स का भी हुआ था उसके पहले, पहले प्लांट्स का हुआ रहेगा फिर एनिमल्स का हुआ रहेगा, ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स क्या करेंगे, लैंड पे आकर खाएंगे क्या, सबसे पहले ऑब्वियसली प्लांट्स ही आए हैं, पहले प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है फिर एनिमल्स का हुआ है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स ने उससे भी ज्यादा दिमाग लगाया, एंजियोस्पर्म्स ने क्या किया, रूट के कारण खुद के पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लिया, मेल गैमेटोफाइट को रिड्यूस करके, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के मेल गैमेट्स को रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि 3 सेल का, 4 सेल का बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट बना के पानी की रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन की तो खत्म हो ही गई थी, वो तो जिम्नोस्पर्म्स ने कर दी थी खत्म, पर एंजियोस्पर्म्स ने साथ ही साथ क्या किया, कि वो जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको अपन एंथर बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स ने वो गैमेटोफाइट ऐसा ही, वो सॉरी गैमेटोफाइट क्या बोल रहा हूं, वो जो मेल सेक्स ऑर्गन है जो एंथर है वो ऐसा ही रहता है, एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट, एक्सपोज्ड टू द एयर, लेकिन एंजियोस्पर्म्स क्या करते हैं, एंजियोस्पर्म्स उस मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन के अराउंड फ्लावर बना लेते हैं, फ्लावर इन द सेंस पेटल्स, ठीक है। तुमको अगर पूछा कि फ्लावर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम बोलोगे उसके पेटल्स,
जैसे जनवरी महीने में मैंगो ट्रीज को फ्लावरिंग होती है, जिसको अपन बहार बोलते हैं, कि आम के पेड़ को बहार आई है, बहार बाहर नहीं, आउटसाइड नहीं, बहार, ब्लॉसम बोलते हैं इंग्लिश में, कि द मैंगो ट्री हैज ब्लॉसम्ड, ठीक है, दैट बहार इज नथिंग बट इट्स फ्लावर्स, पर उन फ्लावर्स में पेटल्स नहीं है, तो अपन उनके फ्लावर से बुके बनाते हैं क्या, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं। वेरेज रोज का फ्लावर, लोटस का फ्लावर है ना, हिबिस्कस का फ्लावर, इसमें पेटल्स बहुत ज्यादा क्लियर रहते हैं, ठीक है, तो उसको अपन डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, तो अपने को उन फ्लावर से मतलब है जिसमें पेटल्स होंगे, कलरफुल एंड अच्छा स्मेल करने वाले। है ना, तो अपने को लगता है कि पेटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पेटल्स को नॉन एसेंशियल पार्ट या एक्सेसरी पार्ट बोला गया है। गैमेटोफाइट को स्मॉल करने से ये होगा फातिमा, गैमेटोफाइट को अगर तुम छोटा नहीं करोगी तो वो हवा में उड़ के या कीड़े के ऊपर चिपक के जा पाएगा क्या, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक नहीं जा पाएगा, फिर उसको कैसे जाना पड़ेगा, पानी से जाना पड़ेगा, पानी से अगर जाना पड़ा फातिमा तो फिर फर्टिलाइजेशन के लिए पानी कंपलसरी नहीं हो गया, फिर जो टेरिडोफाइट्स ने इतना रूट वूट बना के जमीन पे आ गए फिर भी रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल एरियाज हो गए क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी कंपलसरी है, यही प्रॉब्लम जिम्नोस्पर्म्स के साथ एंजियोस्पर्म्स के साथ नहीं होगा क्या फातिमा, उन्होंने गैमेटोफाइट को छोटा इसीलिए किया ताकि वो हवा के थ्रू गैमेटोफाइट उड़ सके, कीड़े के ऊपर चिपक के जा सके, हल्का रहेगा वजन तो पानी की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो कहीं पर भी ग्रो हो पाएंगे, डेजर्ट में भी ग्रो हो पाएंगे, कैक्टस एक एंजियोस्पर्म है ना, डेजर्ट में ग्रो होता है कि नहीं, समझे ना फातिमा, ठीक है। तो मुद्दा अपना घूम फिर के ये है कि एंजियोस्पर्म्स ने क्या किया, उस मेल सेक्स ऑर्गन को, फीमेल सेक्स ऑर्गन को पेटल से कवर कर लिया, अपन कैसे डेकोरेशन के लिए पेटल्स यूज करते हैं, वैसे ही कीड़े उन पेटल्स के स्मेल के लिए, उसमें जो नेक्टर मिलता है उसके लिए पेड़ पौधों के पास आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में तो प्राइमरीली हवा के कारण ही होगा पॉलिनेशन, लेकिन एंजियोस्पर्म्स ने फूल बनाकर क्या किया, एनिमल्स को फूल बनाना चालू कर दिया, है ना, एनिमल्स को लगता है कितना बढ़िया फूल है, नेचर ने, नेचर कितना ब्यूटीफुल है, पेड़ पौधे कितने ब्यूटीफुल है, हमको फूल देते हैं, हमको फल देते हैं, ऐसा लगता है एनिमल्स को, क्या बेवकूफ है एनिमल्स, उसमें से भी सबसे बेवकूफ एनिमल तो ह्यूमन बीइंग है, कविता बनाता है नेचर के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर, ह्यूमन बीइंग नाम का स्पीशीज, कि पेड़ हमको फल देते हैं, पेड़ हमको फूल देते हैं, पेड़ अपने को कुछ नहीं देते हैं, अपन उनसे छीनते हैं जो छीन रहे हैं वो, और वो उनके काम की चीज है, वो फ्लावर के स्मेल और उसके नेक्टर से अट्रैक्ट होके एनिमल्स वहां पर जाते हैं और मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन उठाकर फीमेल फ्लावर के ऊपर पॉलिनेट करवाते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स ने अट्रैक्ट होना चाहिए पेड़ों की तरफ, पॉलिनेशन करवा के देना चाहिए उनका, इसलिए वो नेक्टर और कलरफुल फ्लावर्स बना रहे हैं, अपन कविता बना रहे हैं उसके ऊपर, क्या बेवकूफ है। दूसरी बात, फल देते हैं अपने को प्लांट्स, ऐसा अपने को लगता है, वो अपने को फल इसलिए देते हैं कि अपन वो फल खाए और उसकी जो सीड्स है उसका फिर ट्रांसपोर्ट हो, अगर मैंगो को खाया नहीं एनिमल्स ने तो मैंगो वहीं पर उसके नीचे ही गिरेगा, है ना,
उसी पेड़ के आजू बाजू ही गिरेंगे, दूर तक जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, अपन मैंगो तोड़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद खाते हैं उसको, कहीं और जाकर खाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है सीड्स का। सीड्स का पॉलिनेशन नहीं होता है, इन द वी पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स का होता है, सीड्स का ट्रांसफर होता है। अलग अलग तरीके लगाते हैं प्लांट्स पोलन ग्रेन्स को और सीड्स को इधर उधर फेंकवाने के लिए। पोलन ग्रेन्स का जो पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ कीड़ों के कारण नहीं होता है, मतलब कीड़ों में भी अलग अलग कीड़ों के कारण होता है, चींटियों के कारण भी होता है, बीज के कारण भी होता है, ठीक है, फिर स्नेल के कारण होता है मोलूस्का के थ्रू, फिर रेप्टाइल्स के थ्रू मतलब सांपों के थ्रू भी होता है, और रेफ्लेशिया नाम का एक फ्लावर है वो तो अपना पॉलिनेशन हाथी के थ्रू करवाता है, लार्जेस्ट फ्लावर है वो, जमीन पे उगता है और हाथी के पैरों से पॉलिनेशन करवाता है, ह्यूमन बींग से पॉलिनेशन करवाता है। पॉलिनेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सीड्स और फ्रूट बनते हैं वही, मतलब सीड्स मेन तो सीड ही है, सीड के अराउंड जो कवरिंग रहता है फ्रूट का, जिसमें जूस रहता है जिसको अपन पीते हैं खाते हैं, वो जूस इसीलिए रहता है कि उसको खाने के चक्कर में एनिमल्स सीड्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट करे और इधर उधर पेड़ों का ग्रोथ हो, सीड्स इधर उधर फेंकी जाए और इधर उधर पूरा एम्पायर उनका स्प्रेड हो, इसलिए सीड के ऊपर कवरिंग लगाया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स के सीड के ऊपर कवरिंग नहीं रहता है, जिम्नोस्पर्म की सीड्स नेकेड रहती है, जिम्नोस्पर्म्स में हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स की सीड्स कवर्ड रहती है बाय जूसी कार्पेल, कार्पेल यानी ओवरी, ओवरी बिकम्स द फ्रूट, ओव्यूल बिकम्स द सीड, ये तुमने सुना होगा। तो वो फ्रूट खाने के चक्कर में अपन उसका ओव्यूल मतलब सीड उधर उधर फेंकते हैं और उसका पॉलिनेशन होता है। क्या हो गया भाई, सिर्फ सोचने वाला है कि भेज दिया इमोजी। विधि पूछ रही है सर ह्यूमंस से कैसे पॉलिनेशन करवाता है। ह्यूमंस इतने डिस्ट्रक्टिव स्पीशीज है विधि, थोड़ी देर पहले अभी आर्यन ने ऊपर एक मैसेज किया हुआ है कि हम उल्टा ही काम करते हैं करके, ठीक है। तो क्या है कि उन्होंने बेचारों ने नेक्टर और कलर बनाया फ्लावर का, पॉलिनेशन हो एनिमल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट हो करके, बाकी सब एनिमल्स नेक्टर के लिए अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन करवाते हैं। ह्यूमन बीइंग इतना पागल स्पीशीज है कि ह्यूमन बीइंग सीधा फ्लावर तोड़ी डालता है और अपने घर में लेकर आ जाता है। तो ह्यूमन बीइंग के कारण पॉलिनेशन होना चाहिए था, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने ये जो फालतू का दिमाग लगाना चालू कर दिया कि ये फ्लावर तोड़ डालते हैं। ह्यूमन बीइंग की मेंटेलिटी वैसी है ना कि मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी वो मेरी, मैं उसको तोड़ के मेरे घर में ले जाऊंगा, बाप का राज समझता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन स्पीशीज का ही ये प्रॉब्लम है, पूरे स्पीशीज का ही प्रॉब्लम है। ह्यूमन बीइंग्स को दूसरों के बारे में सोचना नहीं जमता है, जैसा बाकी के स्पीशीज रहती है वैसा ह्यूमन स्पीशीज नहीं। ह्यूमन स्पीशीज का टेंडेंसी डिस्ट्रक्शन है ना। तो ह्यूमन स्पीशीज, ह्यूमन बींग सीधा उसको तोड़ के अपने घर में लेकर आते हैं, 2 दिन में मुरझा जाता है। उससे अच्छा अगर वो पेड़ पे ही लगा रहा तो दिखेगा भी ज़्यादा दिन तक सुंदर और ऑब्वियसली पॉलिनेशन होगा, फ्रूट्स भी मिलेंगे, अपने को भी मिलेंगे, दूसरों को भी मिलेंगे, दूसरे एनिमल्स को भी। भगवान को चढ़ाना क्या, वही बात हो गई ना, डेकोरेशन करना, भगवान को चढ़ाना वेस्ती है ना नेचर का, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ही है वो, भगवान भी किसने, ह्यूमन बींग ने तो बनाया है, खुद नहीं बनाने का और खुद ही उसके ऊपर फ्लावर चढ़ाने का, और जो रियल भगवान ने जो नेचर बनाया उसको तोड़ने का और अपनी इमेजनरी भगवान के ऊपर वो नेचर चढ़ाने का, क्या हरकत है ये, ठीक है। तो एनीवेज द पॉइंट इज कि एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा इवॉल्व है क्योंकि एंजियोस्पर्म के पास रूट सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव है, डेजर्ट में भी कैक्टस ग्रो होता है, यूफोर्बिया ग्रो होता है, ठीक है। और दूसरी बात, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के लिए भी वो जबरदस्त उपाय उन्होंने लगाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा इवॉल्व एंजियोस्पर्म्स है। क्रिप्टोगैम्स फेनोरगैम्स है ना, क्रिप्टोगैम्स मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन्स, फेनोरगैम्स मतलब एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स। क्रिप्टोगैम्स में आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनोरगैम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इसके अलावा अपन ने उनको और कैसे क्लासिफाई किया है, तो मॉर्फोलॉजी के ऊपर से, कि यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है ना।
अक्वाटिक है कि एम्फीबियन है कि टेरिस्ट्रियल है, ठीक है। फिर उनका मतलब रूट सिस्टम उनमें है कि नहीं है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपियरेंस, नहीं अभी नहीं लिखता है उसे, मतलब वो अपन अलग से पढ़ेंगे, अभी तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो रूट सिस्टम कैसा है? रूट सिस्टम प्रॉपर है, जैसे ब्रायोफाइट्स में नहीं है, टेरिडोफाइट्स में है, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में है। फिर जिम्नोस्पर्म्स का जो वो है, ओव्यूल है, वो ओवरी से कवर्ड नहीं है, मतलब सीड फ्रूट के अंदर नहीं होती, एक्सपोज होती है। एंजियोस्पर्म्स की सीड फ्रूट के अंदर होती है। तो ऐसा मतलब मॉर्फोलॉजी ने एक्सटर्नल अपियरेंस के हिसाब से भी अपन ने इनको क्लासीफाई किया है, बराबर है। एक्सटर्नल अपियरेंस के हिसाब से भी अपन ने इनको क्लासीफाई किया है। उसके अलावा लेकिन क्लासीफाई करने का जो मेन चीज है, वो मेन चीज तो यही है, उनका लाइफ साइकिल, बराबर है, उनका लाइफ साइकिल। तो थैलोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है, थैलोफाइटा की खासियत क्या है कि इसका जो अडल्ट रहता है, वो अडल्ट रहता है हैप्लॉइड एंड यूनिसेल्यूलर, ऑब्वियसली, ठीक है। मोस्टली यूनिसेल्यूलर अपन ने लिखा ही है, ठीक है, एज वेल एज अक्वेटिक। और एक बार ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि अपन ने डिप्लॉइड वाला जो लाइफ साइकिल है पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का जो डिप्लॉइड वाला लाइफ साइकिल है उसको अपन ने बोला है स्पोरोफिटिक जनरेशन, और जो हैप्लॉइड वाला लाइफ साइकिल है उसको अपन ने बोला है गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो इसका अडल्ट कैसा है? इसका अडल्ट है गैमेटोफिटिक। हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है मींस गैमेटोफाइट है, गैमेटोफिटिक है, अडल्ट है इसका, समझे। तो इसकी लाइफ साइकिल कैसे शुरू होगी, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैंगो ट्री के लाइफ साइकिल में क्या था? मैंगो ट्री के लाइफ साइकिल में अडल्ट जो था वो स्पोरोफाइट था, उसने बीच में एक गैमेटोफाइट बनाया था, और उस गैमेटोफाइट ने फिर गैमेट्स बनाकर नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट बनाया था। थैलोफाइटा में क्या होगा? थैलोफाइटा में रुकना है, उस बात तो सुन, थैलोफाइटा में अडल्ट ही गैमेटोफाइट रहेगा, तो वो गैमेट्स बनाएगा। अब गैमेटोफाइट है मतलब वो हैप्लॉयड है अडल्ट, ये तो मैंने लिखा ही है कि थैलोफाइटा का अडल्ट ही हैप्लॉयड रहता है। अपने को जो सेल्स दिखती है अलगी की, पत्थर के ऊपर जो हरा हरा कोटिंग दिखता है अलगी का, दैट इज नथिंग बट हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो हैप्लॉयड सेल्स कभी मियोसिस तो कर नहीं सकते, है ना। हैप्लॉयड है मतलब एक ही सेट है क्रोमोसोम का, तो उसको एक सेट इधर एक सेट इधर ऐसा कैसे करेंगे? जब एक ही सेट है तो उसको डिवाइड थोड़ी करेंगे, 11.5 11.5 क्रोमोसोम के चार सेल्स थोड़ी बना सकते हैं मियोसिस 1 मियोसिस 2 करके, पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो उसको माइटोसिस करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, थैलोफाइटा के पास माइटोसिस करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, अडल्ट मेल कैसा है? हैप्लॉइड, बराबर। अडल्ट फीमेल कैसी है? हैप्लॉइड। किसमें? थैलोफाइटा में, हैप्लॉइड जनरेशन है, स्पीशीज ही हैप्लॉइड है। जैसे फंगस हैप्लॉइड रहते हैं ना निखिल, वैसे ये भी हैप्लॉइड है। बैक्टीरिया भी हैप्लॉइड रहता है, बैक्टीरिया के पास भी एक ही न्यूक्लियोइड रहता है, एक ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम रहता है ना। तो इनके पास मियोसिस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनके पास मजबूरी में एक ही चीज है कि ये माइटोसिस ही कर सकते हैं। माइटोसिस करके जो ये सेल्स बनाएंगे वो सेल्स विदाउट सेल वॉल रहेगी, और वो सेल्स फ्यूज हो जाएगी एक दूसरे के साथ। तुम बोलोगे क्यों सर, अभी इसने मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया?
इसने मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाना आता ही नहीं है, वो स्पीशीज ही यूनिसेल्यूलर है, मोस्टली यूनिसेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर बनने के लिए तुमको दो सेल्स को चिपकाना पड़ेगा, दो सेल्स को चिपकाने के लिए उसके बीच में मिडल लैमेला बनाना पड़ेगा, कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट। अल्गी जब इवॉल्व हुए अर्थ पे तब कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट वाली चीज इवॉल्व हुई ही नहीं थी। समझे क्या? उनको मल्टी सेल्यूलर बनाना आता ही नहीं है, तो इसको मल्टी सेल्यूलर बनने का कोई स्कोप ही नहीं। सेल सीधा फ्यूज ही हो सकते और कुछ कर ही नहीं सकते। तो मतलब ये सेल्स अगर फ्यूज हो रहे हैं तो ये सेल्स क्या है, ये सेल है गैमिट्स, और गैमिट बनाने वाला जो जनरेशन रहता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। और वो तो अपने को पता ही है कि हैप्लॉइड जनरेशन को गैमेटोफिटिक जनरेशन बोलते हैं, तो अपन ने पहले ही बोला ही है, दोनों तरफ से प्रूव हो रहा है कि अडल्ट गैमेटोफाइट ने, गैमेटोफाइट ऑब्वियसली विल गिव राइज टू गैमिट्स, कॉमन सेंस है, गैमिट्स ही बना सकता है। स्पोर्स, स्पोर्स अगर बनाएगा, स्पोर्स अगर बनाएगा तो स्पोर्स जर्मिनेट होकर अपना हैप्लॉइड एल्गी बना लेंगे, वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं स्पोर्स से, लेकिन अपने को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है क्या? अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास और कोई उपाय नहीं है गैमेट बनाने का, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाने का। लेकिन मेरे को बताओ स्पीशीज कैसा है, रुको कुछ मैसेज मत करो, स्पीशीज कैसा है? स्पीशीज तो हैप्लॉइड है ना, तो अबे जाइगोट को, जाइगोट अपना जर्मिनेट होके अपना साइज बढ़ाएगा और अडल्ट बन जाएगा तो चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि फिर इसके नेक्स्ट जनरेशन वाला 4n हो जाएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन वाला 8n हो जाएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन वाला 16n हो जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, इसको अपन अडल्ट नहीं बना सकते। अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसमें मियोसिस करना पड़ेगा, अपने को इसमें मियोसिस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मियोसिस वन के बाद दो सेल्स, और उन दो सेल्स से मियोसिस टू के बाद टू टू सेल्स ईच, मतलब टोटल ऑफ फोर सेल्स, तो चार हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। चारों हैप्लॉइड सेल्स अलग अलग, कैपिटल आर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो ये चारों सेल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, नो डाउट। तो ये चार अलग अलग अडल्ट बन गए। अब ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे मतलब साइज में भी ग्रो हो सकते हैं, माइटोसिस करके एसेक्सुअल स्पोर्स भी तैयार कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। मल्टी सेल्युलर तो नहीं बनेंगे, वो तो अपने को पता है, पर माइटोसिस करके एसेक्सुअल स्पोर बना सकते हैं, जैसे फंगस बनाते थे एसेक्सुअल स्पोर्स। एस्कोमाइसिस के एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम था कोनिडिया, है ना? वैसे ही सेक्सुअल स्पोर्स बना सकते हैं जो सीधा जर्मिनेट हो जाएंगे फेवरेबल कंडीशन मिलते ही, और अडल्ट अल्गी बना लेंगे, पर फिर वो क्लोन्स रहेंगे इसके। अपने को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो अपने को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा जर्मिनेट करके मतलब माइटोसिस करे या साइज में ग्रो हो, साइज में ग्रो होने को भी जर्मिनेशन बोलते हैं, ऐसा मैंने कल बता दिया था। तो ये बन जाएंगे फोर अडल्ट थैलोफाइट्स, ये बन जाएंगे फोर अडल्ट थैलोफाइट्स। फिर ये फोर अडल्ट थैलोफाइट जो है वो फिर से माइटोसिस करके गैमेट्स बनाएंगे, एक मेल वाला एक फीमेल वाला, फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के लिए पानी है ही उनके पास, पानी में ही ग्रो होते हैं, कुछ बड़ी बात ही नहीं है, उनको फ्यूजन में तो कोई टेंशन ही नहीं है। फ्यूज होकर जायगोट बनेगा, पर जायगोट कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तो स्पीशीज ही डिप्लॉयड नहीं है, तो जायगोट के पास कोई ऑप्शन नहीं है मियोसिस करने के अलावा। मियोसिस करेगा और हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे चार अलग अलग, चार अलग अलग अडल्ट तैयार हो जाएंगे। सिंपल है, ऐसा होते रहेगा, क्या सिंपल चीज है? तो यहां पर क्या हुआ, अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था कि हैप्लॉइड जनरेशन को, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, हैप्लॉइड जनरेशन को अपन गमिटोफाइट बोलते हैं और डिप्लॉइड जनरेशन को अपन स्पोरोफाइट बोलते हैं, बराबर है ना? तो अपन ने मैंगो ट्री में क्या बोला था, कल मैंने बोला था इफ यू रिमेंबर, कि जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन,
क्योंकि यहां पर रुकता नहीं है ना मैंगो ट्री। मैंगो ट्री एक सेल से दो सेल, फिर चार सेल, फिर आठ सेल, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल, फिर 64 सेल, फिर 128 सेल, फिर 256 सेल, फिर 512 सेल्स, फिर 1024 सेल। ऐसा करते 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 इतना बड़ा पूरा 30-35 फीट का, 40 फीट का ट्री बनाता है विद ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डिप्लॉयड सेल्स इन इट, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांचेस, बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। तो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर एक जायगोट से ही बना है। तो जायगोट क्या हो गया, फर्स्ट सेल हो गया उस स्पोरोफिटिक जनरेशन का। लेकिन थैलोफाइटा में मल्टी सेलुलरिटी है ही नहीं, तो ये जायगोट ग्रो के कुछ बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ी बनाएगा, सीधा मियोसिस करेगा। तो दिस इज द, इसको अपन फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं बोल सकते, इसको अपने को क्या बोलना पड़ेगा, ओनली सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन एक ही सेल से रिप्रेजेंट हो रहा है और कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए तैयार हो रहा है स्पोरोफिटिक जनरेशन। थैलोफाइटा में स्पोरोफिटिक जनरेशन बहुत कम समय के लिए तैयार हो रहा है और एक ही सेल से रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन डिप्लॉयड तो बन ही रहा है ना उसके लाइफ साइकिल में कभी ना कभी, तो मतलब अडल्ट गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन, फिर से गैमेटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, फिर से गैमेटोफाइट, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हो ही रहा है ना। ये जो कहानी अपन ने देखी है स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग की कहानी चेंज नहीं हो रही है। हाँ सौम्या करेक्ट है, जायगोट इज द ओनली सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये कहानी चेंज हो रही है कि थैलोफाइटा में नहीं हो रही है, बस फर्क क्या पड़ रहा है, सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ रहेगा कि स्टोरी की शुरुआत स्पोरोफाइट से न होते हुए गैमेटोफाइट से हो रही है। गैमेटोफाइट ने गैमिट बनाया, गैमिट फ्यूज होकर जायगोट बना, जायगोट ने मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर न बनाते हुए सीधा मियोसिस करके स्पोर्स बनाए, ठीक है। स्पोर्स ने जर्मिनेट होकर अडल्ट गैमेटोफाइट बनाया। ये चार स्पोर्स नहीं है क्या यहां पर, इनको अपन स्पोर्स बोलेंगे क्योंकि ये जर्मिनेट हो रहे हैं। फ्यूज हो रहे हैं क्या, नहीं करूंगा रिपीट इन द वी। अच्छा डिस्टर्बेंस हो गया है क्या, हाँ फिर करता हूं, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया है तो रिपीट करता हूं। बाकी बहुत सिंपल है, नहीं समझा वाला सिस्टम इस नहीं है इधर, बहुत ही फालतू चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। डिफरेंस बस क्या हो रहा है कि मैंगो ट्री की शुरुआत स्पोरोफाइट से हो रही है, यहां पर थैलोफाइटा में शुरुआत गैमेटोफाइट से हो रही है। अडल्ट ही गैमेटोफाइट है, ठीक है इंदवी, गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमेट बनाएगा, सेल वॉल रहेगा उनके ऊपर, ठीक है हिंदवी ध्यान दे। गैमेटोफाइट ने, हाँ हिंदवी कोई प्रॉब्लम नहीं, कर रहा हूं ना रिपीट, मिस हो गया था तो कोई इशू नहीं है, बाकी नहीं समझा वाला सिस्टम नहीं चलेगा इधर, क्योंकि बहुत ही इजी है ना, समझने लायक कुछ है ही नहीं इधर। बस मल्टी सेलुलर नहीं रहेगा, यूनिसेलुलर हैप्लॉइड ही रहेगा, उसी को अपन गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमेट बनाएगा, ऑब्वियसली गैमेटोफाइट के नाम में ही लिखा है कि वो गैमेट बनाएगा। हैप्लॉइड फेज को अपन गैमेटोफाइट बोलते हैं, तो गैमेटोफाइट है, गैमेट बनाएगा, गैमेट फेज होकर 2N बनेगा, 2N मल्टी सेलुलर नहीं बनाएगा क्योंकि स्पीशीज ही मल्टी सेलुलर नहीं है, सीधा मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, और ये जो स्पोर्स बन गए इनको अपन स्पोर्स बोलेंगे, है ना, इनको अपन स्पोर्स बोलेंगे क्योंकि ये जर्मिनेट होने वाले, फ्यूज नहीं होने वाले हैं गैमेट्स की तरफ। तो ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर अडल्ट थैलोफाइट्स बनेंगे जो कि गैमेटोफाइट है। अडल्ट थैलोफाइट्स मतलब गैमेटोफाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है, अब ये गैमेटोफाइट्स फिर से माइटोसिस करेंगे अडल्ट बनने के बाद,